ए प्लस बी से पूरा ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा ए माइनस बी इस ए माइनस बी को हम इसके न्यूमरेटर के वन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है न्यूमरेटर में हमारे पास वन इससे हमें मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी को ठीक है इसके बाद जो है सेकेंड टर्म को देखते हैं सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर है ए माइनस बी इस ए माइनस बी से जब हम इन दोनों वैल्यूज को ए प्लस बी को और ए माइनस बी को डिवाइड करेंगे ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा ए प्लस बी इस ए प्लस बी को हम इस माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वन लिखते हैं हम जिसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में वन टर्म माइनस वन है हमारे पास और इस माइनस वन को हमें इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है ठीक है इजी सा क्वेश्चन है ये वन को से मल्टीप्लाई करेंगे वन ए आ जाएगा माइनस वन को बी से करेंगे माइनस बी आ जाएगा या प्लस माइनस माइनस ए वन को, करेंगे, A minus minus को से करेंगे वन ए आ जाएगा प्लस माइनस माइनस वन को बी से करेंगे वन बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय देखिए ये ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है इसका हम फॉर्मूला बन करते हैं ये फॉर्मूला फाइव ओपिन है तो जब ए प्लस बी ए माइनस भी होता है इसका फॉर्मूला बन होता है क्या है? हो जाता है ए स्क्वाय माइनस बी स्क्वायर हो जाता है इसके बाद देखते हैं ये प्लस वन है माइनस वन है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस टू बी हो जाएगा माइनस टू बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व हो गया बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन सिक्स है फोर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों ही फ्रैक्शन में हैं और इनको हमें माइनस करना है फ्रैक्शन वाली वैल्यू को जब भी हमें सब या ऐड करना होता है तो हमें उसका एलसीएम निकालना होता है लेकिन इसका एलसीएम निकालने से पहले हम एक स्टेप करेंगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे फोर वाई ऐसी उतार लेते हैं और ये जो वाई स्क्वायर माइनस वन है इसके ऊपर हम लगा देते हैं फॉर्मूला फाइव वाई पे भी होल स्क्वायर कर देते हैं और वन पे भी होल स्क्वायर कर देते हैं सेकेंड हमारी टर्म है उसको हम ऐसे उतार लेते हैं वाई प्लस वन और वाई माइनस वन ठीक है इसको अब आगे सॉल्व करते हैं ये फार्मूला फाइव आपको पता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया फॉर्मूलाई पे भी होल स्क्वायर कर दिया और वन पे भी होल स्क्वायर कर दिया तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो क्या होता है फर्स्ट वैल्यू को मैसेज उतारते हैं और जो सेकंड वैल्यू या बी होता है उसको हम एक बार माइनस से एक दफा प्लस से लिखते हैं तो हमने वाई लिखा प्लस वन निकल लिया फिर हमने दोबारा वाई लिखा और माइनस वन निकल लिया यही उतार लेते हैं कि हो गए शिपले अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमें इस टर्म में से इसको माइनस करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे एलसीएम जब हम निकालते हैं तो इन दोनों में से जो भी कॉमन होता है पहले हम वो लिख लेते हैं वाई माइनस वन कॉमन है वाई माइनस वन लिख लेंगे और वाई प्लस वन जो है कॉमन नहीं है रिमाइंडर है वो लिख लेंगे ये मेथड आप पहले भी सीख कर आए हुए लेकिन आगे जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें आप इसको सीखेंगे इसके अंदर हम पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं एल जैबरा के अंदर जब हमें एलसीएम करना होता है तो हम क्या करते हैं पहले हम यहाँ से कॉमन फैक्टर लिखते हैं यानी दोनों में जो चीज कॉमन होती है वो लिख लेते हैं वाई माइनस वन कॉमन था वाई माइनस वन लिख लिया फिर उसके बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर लिखते यानी जो अनकॉमन होता है वाई प्लस वन इसमें अनकॉमन है तो वाई प्लस वन लिख लिया ठीक है इस तरह से हुआ क्या है कि वाई माइनस वन दो बार नहीं आया एक बार आया ये इस क्वेश्चन का बहुत अहम

फोर वाई को जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे तो आप शो कर दे, जरूरत है नहीं वैसे देर तो वाई आएगा फिर ये वाला माइनस उतार लीजिए इसके बाद आप सेकंड टर्म को देखें सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है वाई माइनस वन अब इस वाई माइनस वन से हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो वाई माइनस वन से वाई माइनस वन कैंसिल हो जाएगा क्या बचा हमारे पास वाई प्लस वन बचा ये वाई प्लस वन जाके सेकंड टर्म का जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई होगा यानी वाई प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा करते हैं पहले जो सेकंड टर्म का न्यूग्रेटर है वो लिख लेते हैं प्लस वन लिख लेते हैं इस वाई प्लस वन को इस वाई प्लस वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हम करते हैं फोर वाई को वन से मल्टीप्लाई करा फोर वाई आएगा माइनस अब वाई प्लस वन को वाई प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है वही एक्सपेंड फॉर्म के तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को इसकी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो वाई को वाई से करेंगे स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है ना यहाँ पे अभी हम वैकेट रखेंगे क्योंकि ये माइनस जो है इन तमाम के मल्टीप्लाई के साथ है ठीक है तो y को y से मल्टीप्लाई करा वाई, वाई स्क्वायर अब इस y को इस प्लस वन से करा प्लस वन प्लस वाई आ गया ये हमने फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अब इसकी सेकंड वैल्यू प्लस वन अब इस प्लस वन को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है प्लस वन को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई आ जाएगा प्लस वन को प्लस वन से करेंगे प्लस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन और वाई प्लस वन अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं फोर वाई अभी ऐसे ही उतार लेते हैं अंदर अभी इसको सॉल्व करते हैं ये प्लस वाई है और ये भी प्लस वाई है तो प्लस वन वाई और प्लस वन वाई कितना हो जाएगा प्लस टू वाई हो जाएगा और प्लस वन हमने ऐसे ही उतार लिया नीचे हमारे पास सिर्फ वाई माइनस वन और वाई प्लस वन आगे सिम्पलीफाई करते हैं फोर वाई अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम इस माइनस के साइन को इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम बैजेस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू वाई प्लस माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन और वाई माइनस वन ये मैंने जो है पहले वाई प्लस वन लिख गया बाद में वाई माइनस वन लिख दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर भी लिख सकते हैं आप इधर भी लिख सकते हैं इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ये प्लस फोर वाई है ये माइनस टू वाई है प्लस फोर वाई में से माइनस टू वाई को माइनस कर देंगे हमारे पास आएगा प्लस टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई y प्लस वन और y माइनस वन इसका एक स्टेप मैं यहाँ पे करी आप नीचे ही कीजिएगा इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे फिर y की लिखेंगे फिर वन लिखेंगे तो हम लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन और y माइनस वन इस एक्सप्रेशन के अंदर वाई स्क्वायर जो है वो लीडिंग वेरिएबल है लीडिंग वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए तो इसका माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देंगे जिससे इस लीडिंग वेरिएबल यानी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा माइनस को कॉमन निकाल के इन तमाम के साइंस को उस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ये माइनस हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया अब ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू वाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा देखिए सारे साइन इन्वर्स हो गए इस तरह ये स्टेप हम इसी दे करते हैं ताकि हमारे साइन जो है वो इन्वर्स हो जाए और वाई स्क्वायर के साथ हमारे पास प्लस का साइन आ जाए क्योंकि वाई स्क्वायर लीडिंग डेरेबल है और लीडिंग डरेबल के साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है से हमारा आसान हो गया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन है आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये फार्मूला टू इसके अंदर क्लोज हो जाएगा इसका मैं आपको फार्मूला क्लोज़ करके दिखा देती हूँ वाई पे होल स्क्वायर कर देते हैं माइनस टू फार्मूले का यहाँ पर a और b आएगा और प्लस देखिए ये y पे हमने होल स्क्वायर कर दिया माइनस टू फार्मूले का लिखा यहाँ a भी लिखेंगे और ये प्लस वन जो है इसका भी स्क्वायर कर दिया ये हमने फार्मूला टू अप्लाई करा फार्मूला टू क्या होता है फार्मूला टू में यहाँ पे आपको मैंशन कर देती हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये ठीक है ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करें तो किस तरह करा अब हमने ये ए स्क्वायर कर दिया माइनस टू ये बी प्लस बी स्क्वायर करना है तो वाई आ जाएगा यहाँ एक ही जगह पे वाई आ जाएगा बी की जगह पे वन आ जाएगा वाई प्लस वन और वाई माइनस वन अब ऐसे ही उतार देते हैं अभी अब देखिए इसको इसकी मिडिल वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस माइनस uh, टू को वाई से और वन से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा माइनस टू वाई तो हमारी इसकी मिडिल वैल्यू इसकी मिडिल वैल्यू मैच हो गई जब मिडिल वैल्यू मैच हो जाती है तो हम क्या करते हैं फार्मूला क्लोज कर देते हैं फार्मूला क्लोज हम कैसे करते हैं मिडिल वैल्यू को छोड़ देते हैं हम ये वाला वाई लेंगे यहाँ से माइनस लेंगे और इस वाले ये वन लेंगे फार्मूला क्लोज करके इस पर स्क्वायर डाल देंगे ये भी मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है स्क्वायर का फार्मूला बंद करना मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूँगी मैंने इस स्टेप को दोबारा लिख लिया ये माइनस हम अभी ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी मेटल वैल्यू मैच आ गई तो फार्मूला क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे फार्मूला क्लोज करने के लिए हम ये वाला वाई लेंगे ये माइनस लेंगे वाई लिया माइनस लिया और ये वाला वन लेंगे और इस पे होल स्क्वायर कर देंगे ये फिर इसका फार्मूला क्लूज हो गया नीचे हमारे पास है वाई प्लस वन और वाई माइनस वन देखिये यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करा अब इसका फार्मूला क्लोज कर दिया ठीक है तो अब ये देखिए वाई माइनस पे होल स्क्वायर हो गया ये माइनस हमारा साइड में ही रहेगा ठीक है वाई माइनस पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन वाई माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन लेकिन हमारे पास यहाँ पे वाई माइनस वन भी है देखें ये वाई माइनस वन अगर हम ऊपर ले जाए तो इसके साथ ये प्लस वन था ऊपर देख क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन देखें इसके पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस वन है जब ये पूरा ब्रैकेट हम ऊपर ले गए डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस वन से माइनस वन बन गया अब देखें दोनों की बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लेते हैं वैल्यूज को प्लस माइनस जो भी और वो कर देंगे वाई माइनस वन एक बार लिख लेंगे और ये प्लस टू और ये माइनस वन एक साथ लिख देंगे ठीक है y प्लस वन ये स्टेप जो था और अली भी किया जा सकता था लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आपको पता हो कैसे हुआ है अब ये देखिए टू में से वन निकल के क्या आ गया हमारे पास वाई माइनस वन के ऊपर पावर आ गई वन और डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन अच्छा यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है यहाँ साथ यहां साथ रहेगा और ये प्लस वन है तो प्लस वन को लिखने की जरूरत नहीं होती ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है तो हमने क्वेश्चन नंबर फोर के सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस